बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था, तो उसकी एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो अब हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय द डिवीजन मेथड। हमने ये नीचे जो वैल्यूज़ हैं इनका एचसीएफ फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है 300.3996, तो इनका हमने एचसीएफ फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। पहले हमने एचसीएफ फाइंड किया था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो अब हमने एचसीएफ फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये जो 300.3996 ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब ये जो ग्रेटर वैल्यू बाद वाली है इसको हम क्या करेंगे, एज अ डिवाइडेंड यानी इसमें बीच में लिख लेंगे, और ये 300 हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइजर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 300 को हमने क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 300 आएगा, 300 को 2 से करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 399 से ग्रेटर हो जाएगा, 300 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ गया, ठीक है। अब इनको माइनस किया, 9 में 0 9 आ गया, 9 में से 0 9 आ गया, 3 में से 3 0, अभी 6 को हमने नीचे लिख लिया, ठीक है। अभी 300 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 900 आ जाएगा, अगर 4 से करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, ग्रेटर। तो 300 को 3 से किया तो 900, इनको माइनस किया ये 96 आ। अब क्या है, ये 96 क्या है, इस 300 से क्या है, लेस है। तो हम क्या करेंगे, 96 को एज अ डिवाइजर, और ये 300 को एज अ डिवाइडेंड हमने जैसे लिख लेंगे, ठीक है। 96 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर 4 से करेंगे वो इससे ज़्यादा हो जाएगा, 96 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कह लीजिए 10 में से 8 2 आ जाएंगे, यहाँ 9 में से 8 1 आ, ठीक है। अब 12 क्या है, इससे क्या है, लेस है, तो हम 12 को एज अ डिवाइजर लिखेंगे, 96 एज अ डिवाइडेंड आ जाएगा, ठीक है। 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 8 96। अब हमारे पास इधर क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो जहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा उसका जो डिवाइजर होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एचसीएफ। द एचसीएफ ऑफ 300 एंड 3996 इज 12, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है, उसमें भी हम क्या करेंगे, इसको एज अ डिवाइडर लेंगे और ये हमारे पास क्या होगा, डिवाइजर, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई 5445 को 1 से करेंगे तो ये आएगा, 2 से करेंगे इससे ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। अब इनको माइनस करेंगे ये आ जाएगा, अभी हमारे पास लेस है तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। इसको 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा, 3 से करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब इनको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास ये आएगा, 12 में 6 6 आ जाएगा, ये 6 में से 4 2 आ जाएगा, 8 में से 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास लेस है तो इसको हम क्या करेंगे, एज अ डिवाइडेंड ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो 121 आ जाएगा, ठीक है। तो 726 को हम ऐसे लिख लेंगे, अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो इधर जो डिवाइज़र होगा तो हमारा क्या होगा, एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 121। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करेंगे, जो हमारे पास इनका एचसीएफ आएगा उसको हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसी तरह आगे इसी स्टेप मेथड से, ठीक है। अब थ्री हमारे पास, इसको हमने डिवाइडर ले लिया, इसको डिवाइजर ले लिया, इसको वन से किया ये आ गया, इनको माइनस किया ये लेस है, इसको एज अ डिवाइडर लिख लेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वन से करेंगे तो ये आ जाएगा, इनको माइनस किया तो ये आ गया, ये लेस है तो इसको हमने बीच में लिख लिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इधर हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, ये हमारे पास डिवाइजर यानी इन दोनों का एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया, 133। अब ये इसका जो एचसीएफ आया, इसको हमें क्या करना है, इसका इसको एज अ डिवाइडर ले लेना है, इसको एज अ डिवाइजर, ठीक है। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इनको माइनस किया फिर 1 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, ये हमारा जो आ गया एचसीएफ आ गया,
एडिशंस ऑफ 399,665 and 1,463 is 133। ठीक है, तो हमारा ये एचसीएफ आ गया 133। तो हमारा एक आगे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें हमारे पास 4 वैल्यूज हैं। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ ले लेंगे, उसका जो एचसीएफ आएगा उसका हम इसके साथ एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। तो फिर इन दो जो आएगा उस एचसीएफ आएगा उसका हमने इसके साथ एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जो लास्ट में हमारे पास जो एचसीएफ होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ठीक है, लेट अस फर्स्ट फाइंड द एचसीएफ ऑफ 427 and 1,159। ठीक है, अब इनका हमने इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है। सेम उसी तरह पीछे वाले क्वेश्चन की तरह 427 को 2 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया। ठीक है, इनको माइनस किया ये आ जाएगा। अभी हमारे पास लेस है तो इसको एज अ डिवाइडर ऐसे लिख लेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो अगर इनको माइनस किया, अब ये लेस है तो इसको हमने एज अ डिवाइडर ऐसे लिख लेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 244 आ गया। इनको माइनस किया तो हमारे पास 61 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इधर हमारे पास रिमाइंडर 0 होगा, तो ये हमारे पास क्या है, इधर इन दोनों का क्या है एचसीएफ। ठीक है, ऐसा सा 61। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो 61 आया उसका हमने 1,281 के साथ क्या ले लेना है एचसीएफ। ठीक है, अब इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करेंगे तो हमारे पास इसी तरह 61 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, अगर इनको माइनस किया तो 1 से किया तो इन दोनों का एचसीएफ भी हमारे पास क्या आ गया 61। ठीक है, अब जो 61 आया उसको हमने जो लास्ट वाली वैल्यू है उसके साथ भी एचसीएफ फाइंड कर लेना है। ठीक है, 61 को 5 से मल्टीप्लाई किया 305 आ गया, इनको माइनस किया तो ये आ गया। 61 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों का अभी एचसीएफ क्या आ गया 61। नीचे लिख दें एचसीएफ ऑफ 427, 1,159, 1,281 and 3,416 is 61। ठीक, तो हमारा ये जो एक्सरसाइज का था, क्वेश्चन नंबर 5 था, उसका था पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 and 4। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे।